गरबा माता की आराधना का है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित होना चाहिए। माता की आराधना हमारी बहन बेटियाँ करती हैं और इसमें बहुत सी समय समय पर ऐसी चर्चाएँ आती हैं कि कुछ लोग ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जिनको लेकर चर्चाएँ होती हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है और मैं सबसे एक प्रकार से आह्वान भी करना चाहूँगा कि हम पांडालों में प्रसाद वितरण करते हैं तो गो माता हमारी जो माता है गोमूत्र हम लोग पीते हैं, प्रसाद स्वरूप महत्व सभी को देना चाहिए। तो जो भी आए प्रवेश के पूर्व गो माता गोमूत्र पिए तो गरबा पंडालों में प्रवेश करें। ठीक है। नवरात्र में हम तो सभी से आह्वान कर रहे हैं कि हमारी माता की शक्ति का पर्व है, टी की चोटी रखना एक हमारी पहचान है, तो चंदन का तिलक लगाएं, टीका लगाएं नवरात्रि में पंडाल में प्रवेश से पूर्व, और साथ ही साथ गो माता हमारी माता है गोमूत्र पीकर प्रवेश गरबा पंडालों में हो, ऐसा मैं गरबा आयोजकों से अनुरोध कर रहा हूँ। आधार कार्ड को भी लेकर आपकी, देखिए आधार कार्ड वगैरह सब ठीक है, एडिटिंग वगैरह हो जाती है ना, सब संभव है, पेपर है, एडिटिंग हो सकती है, लेकिन मेरा तो मानना है कि हमारी जो धर्म संस्कृति है उसका पालन हो। गो माता के मूत्र से हमें शक्ति मिलती है, पवित्रता आती है, तो गरबा पंडालों में ये होना चाहिए। और जिसने नहीं पिया वाले जिसने लिया है, भाई हिंदू है तो पिएगा, बिल्कुल पिएगा, नहीं पीने का तो प्रश्न ही नहीं होगा। Thank you.